सभी भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम। आज हम मेहूवाड़ा गांव में है, भट्टू तहसील, और जिला जो है वो फतेहाबाद है भाई का, हरियाणा में। तो पहले भी आपने इनकी जो वीडियोज़ हैं वो हमारे दूसरे चैनल पे देखी हैं, लेकिन आज एक बार फिर से हम जो भाई साहब के पास आए हैं और इनके जो पशु हैं उनके बारे में अगर आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल पे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो भाई से बात करेंगे वो स्पेशली जो पशुओं की फीड के बारे में और जो दवाइयाँ वगैरह जो यूज होती हैं या जो भी सीमन वगैरह का प्रयोग है उसके बारे में बात करेंगे। तो राज भाई साहब, ये बताइए कि आप पशुओं को फीड में क्या दे रहे हैं? फीड में भाई जी चने की चूरी, चने का खंडा और खल बिनोले की, गेहूं का दलिया, मेथी, ये चला रखे है। अच्छा, तो ये टुवाना की फीड है भाई जी, वो भी मिक्स है कई प्रकार के उसमें, तो वो चला रखी है। ठीक है, तो भाई साहब ये बताएं कि आप कितने टाइम पशुओं को फीडिंग करते हैं, कितने टाइम चारा खिलाते हैं? भाई जी जो टोकड़ा है भैंस, ज्यादा टाइम की सोई हुई उसको तो दो टाइम डालते हैं, बाकी जो ताजी है उनको तीन टाइम देते हैं। अच्छा, जो दूध वाली भैंस है उनको तीन टाइम देते हैं? हाँ, दूध वाली को तीन टाइम। तो पेट के कीड़ों की दवाई भी देते हैं भाई साहब पशुओं को? हाँ जी, पेट के कीड़ों की दवाई 6 महीने में एक बार देते हैं। 6 महीने में एक बार? और मिनरल मिक्सर वगैरह? हाँ, वो चला रखे जी रेगुलर। अच्छा, खनिज मिश्रण रेगुलर देते हैं? हाँ, बदल बदल के देते हैं जी, जैसे कि कभी किसी कंपनी का, कभी किसी कंपनी का। ठीक है, तो भाई साहब ये भी बताइए कि जो आम पशुपालक है, जैसे कि अपने हरियाणा पंजाब में तो लोगों में जागरूकता बहुत है, लेकिन जैसे यूपी है, बिहार है, उस साइड वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे पशु तो हैं लेकिन ज़्यादा अच्छे जैसे जिस क्वालिटी के अपने यहाँ मिलते हैं ऐसे नहीं है, तो वो क्या ऐसा प्रयोग करें, क्या क्या यूज करें कि नस्ल सुधार उनके यहाँ भी हो? वो उधर से भाई जी हरियाणा से बढ़िया नस्ल की एक दो भैंस ले जाए, और जिनके पीछे कटड़ी हो खास कर वो लेके जाएं, और एक दो बुल ले जाएं, या फिर अच्छा सीमन का प्रयोग करें, यहाँ से सीमन ले लें हरियाणा से। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बुल के। बिल्कुल, तो उनके ब्रीडिंग में काफी सुधार आएगा जी आगे। अच्छे सीमन का प्रयोग कर सकते हैं या अच्छे बुल ले जाके वो अपनी भैंसों पे यूज करें। लगभग 3 पीढ़ी के बाद उनके जो भाई बाहर से हैं उनके घर पे भी आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो भैंसे हैं वो तैयार मिलेंगी। आज से लगभग 3 पीढ़ी तक चलना ही पड़ेगा, तब जाके नस्ल जो है वो पूरी सुधार में आएगी। तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। तो भाई साहब ये भी बताइए कि हरा चारा भी है अपने पास? हाँ जी, हरा चारा डालते हैं जी। तो क्या क्या चल रहा है अभी हरे चारे में? जई और बरसीन चला रखी है जी। जई और बरसीन? हाँ जी। ठीक है, तो हरा चारा पूरे साल मिलता रहता है कि कभी? ना, पूरे साल ही मिलता रहता है भाई जी, एडवांस में ही तैयार रहता है जी अपने। पानी पूनी की सुविधा है अपने यहाँ? बहुत बढ़िया सुविधा है जी। ठीक है, खेत में पानी का बोर भी है, बाकी नहर का पानी भी बढ़िया है। ठीक है ठीक है। भाई साहब ये बताए, कोई नया डेयरी फार्मर है वो डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहता है, तो वो किस टाइप के पशु रखे, कितने दूध वाली भैंसे रखे ताकि उसको बेनिफिट हो उसके? भाई जी जो नया फार्मर है उसको कम से कम 20 किलो की दूध की भैंस तो रखनी चाहिए। अच्छा, क्यों? दूध का रेट भी कम है और खर्चा भी ज्यादा है, तो 20 किलो वाली जो 20 किलो से कम की है उसमें तो उसको कोई फिर फायदा भी नहीं है रखने का। और जो आगे कटड़े कटड़ियां आएंगे वो 20 किलो वाली के बढ़िया रेट में भी बिकेंगे या घर रखेंगे तो अच्छी नस्ल की जो कटड़ियां हैं वो आगे जाके बढ़िया दूध ही निकालेंगी? हाँ, ब्रीडिंग में बहुत बढ़िया रहेगा जी, अच्छी नस्ल के पशु रखने में। ठीक है ठीक है। तो दूध का रेट अपने यहाँ क्या है भाई साहब? दूध का भाई जी 50 रुपये है। 50 रुपये, बहुत कम रेट है दूध का 50 रुपये। अगर देखा जाए आजकल जो मटेरियल हम पशुओं को खिलाने में यूज कर रहे हैं वो लगभग डबल रेट हो गए उसके, और दूध के रेट वही खड़े हैं। तो लगभग 70 से 100 रुपये के बीच में जब दूध होगा तब एक फार्मर जो है, पशुपालक है, वो 2 पैसे इस लाइन से बचा सकता है। तो और क्या कहना चाहेंगे भाई साहब नए पशुपालक भाइयों को? और तो जी नए पशुपालक भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा भाई, बढ़िया लाइन के जानवर रखें, उसमें ही फायदा है, लोकल जानवर का तो कोई फायदा है नहीं जी। अच्छी क्वालिटी की भैंसे रखें। ठीक है, बहुत बढ़िया बातें आज हमें भाई से सीखने को मिली, और जितने भी पशुपालक भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके। और जो भाई हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं वो हमारा जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप हमें कमेंट्स में भी बताना
कि आपको राज भाई ने जो बातें बताई वो कैसी रही, और जो इनके पशु आपको पीछे वीडियो में दिखाई दे रहे हैं ये जो पशु हैं ये आपको कैसे लगे। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।